मित्रों 28 तारीख से नवरात्र साधना शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो एक ही नवरात्र जानते हैं। ये चैत का नवरात्र परसों से शुरू होने वाला है। आप कभी मौका मिले तो गुरुदेव की साधना से सिद्धि किताब पढ़ेंगे। विशेष समय में विशेष लोगों को विशेष चीज़ों की अनुभूति होती है, वो तब जब उनकी पात्रता विशेष होती है। भारत का मैच चल रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। आप कहिएगा हमको क्यों नहीं टीम में लिया गया है, आपकी पात्रता नहीं थी। आपकी पात्रता होती जरूर आप 11 प्लेयर में होते, आप जरूर चुने जाते हैं। गुरुदेव उस किताब में लिखे हैं, बेटा समय का संयोग जब बनता है तब व्यक्ति अपने आप को प्रूफ कर पाता है। आप खूब पढ़ने में तेज हैं, आपकी उच्च क्वालिटी की एजुकेशन है, अपने स्कूल के टॉपर हैं, अपने स्टेट के टॉपर हैं, अपने देश के टॉपर हैं आप पढ़ाई के क्षेत्र में, और आपकी इच्छा है कि हम यूपीएससी में टॉपर बने, और यूपीएससी वैकेंसी दे ही नहीं, फॉर्म निकले ही नहीं, क्या आप टॉपर बन जाइएगा? आप उच्च क्वालिटी के टैलेंटेड शूटर हैं, हम ओलंपिक में मेडल लाएंगे और देश आपको चुने ही नहीं, क्या आप मेडल ला पाइएगा? आप बहुत अच्छे पहलवान हैं और दंगल हो ही नहीं, क्या आप अपनी पहलवानी सिद्ध कर पाइएगा? एक विशेष समय आता है जिस समय पर मनुष्य अपने आप को प्रूफ करता है, और वो खास समय नवरात्र काल की साधना होती है, विशेष अनुष्ठान होता है जिसमें हम अपने आप को, अपनी मनोभूमि को, अपने अंदर की चीजों को, अपनी आंतरिक शक्तियों को मजबूत बनाते हैं। यह नवरात्र काल की साधना हम अपने पुराने भाई नए भाई सबसे निवेदन करेंगे। यह आपकी ऊर्जा का पर्व है, आपके अंदर पावर पैदा करने का पर्व है, आपके अंदर शक्ति ग्रहित करने का पर्व है, आपके अंदर बुराइयों को त्यागने और अच्छाई को एक्सेप्ट करने का समय है। आप आकर देखेंगे दोनों नवरात्र में इस फ्लोर पर लगभग 500 700 हजार भाई एक साथ अनुष्ठान करते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि जिस उम्र में लड़कों को करियर की जरूरत है, जिस उम्र में बैंक में जाना चाहिए, रेलवे में जाना चाहिए, आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, अच्छे पैकेज पर जाना चाहिए, पदाधिकारी बनना चाहिए, ये गायत्री परिवार का यूथ विंग इनको साधना सिखाता है, इस साधना के बदौलत उसको क्या मिलेगा? क्या इस साधना से वो बैंक में चला जाएगा? क्या इस साधना से वो एसएससी में चला जाएगा? नहीं, इस साधना के बदौलत उस पद पर जाने वाली मनोभूमि मजबूत बन जाती है। खेत के जुताई कर देने से थोड़े अनाज पैदा होता है, खेत के जुताई के बाद उसमें अनाज डाल के सिंचाई किया जाता है तब फसल तैयार होता है। तो ये समय जो है आपको मस्तिष्कीय रूप से जुताई का समय है। जब तक आपकी मनोभूमि तैयार नहीं होगी, जब तक आपके अंदर उस लेवल का व्यवहार नहीं आएगा, आपकी टेंडेंसी पढ़ाई के तरफ सकारात्मक लग ही नहीं सकती है। इन दिनों 90% समस्या युवाओं के है कि मन नहीं लगता है, 10% बेचारा पढ़ता है, लेकिन 90% की समस्या है कि मन नहीं लगता है। मेरे मित्र, मानसिक एकाग्रता के साथ किया गया यह नवरात्र के दोनों काल का अनुष्ठान आपकी मनोभूमि को इतना ताकतवर बनाता है कि आप वैचारिक और व्यवहारिक दोनों रूप से मजबूत बनते चले जाते हैं। पूरे वातावरण में आपका एंटी बिहेव है, निगेटिव बिहेव है, जहां मोबाइल पर व्हाट्सएप, फेसबुक, बाइक चलाने वाला बाइक चला रहा है, पीछे बैठने वाला व्हाट्सएप चला रहा है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त है, वो अपनी दुनिया में वो कुछ सुनाई हो रहा है कि समझ रहे हो, ऐसे हुआ तो व्हाट्सएप चला रहा है, कर रहा है उसी पर। आगे साइकिल पर देखिए, दो विद्यार्थी जा रहा है साइकिल से, एक चला रहा है, दूसरा पीछे बैठा है। पहले हम लोग भी एक साइकिल पर दो जाते थे तो हंसते हंसाते चले जाते थे, दूरी पता नहीं चलता था। अब चलाने वाला बेचारा खींच रहा है, पीछे वाला व्हाट्सएप चला रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी मनोभूमि कमजोर हो रही है, और हम इस भगवान ईश्वर की साक्षी में कह रहे हैं कि दुनिया को में सबसे ताकतवर बनने का एक ही तरीका है कि आप अपनी मनोभूमि को मजबूत बनाइए, और मनोभूमि ऐसे ही अनुष्ठान से मजबूत बनता है। 10 दिन हमारे भाई लोग जल पे रहते हैं,
फल पे रहते हैं। बहुत सारे भाई हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनको हम लोग थोड़ी सी छूट देते हैं कि आप एक टाइम दूध रोटी ले सकते हैं, लेकिन हमारे मैक्सिमम भाई फलाहार पे रहते हैं। कई भाइयों को देखिएगा, चेहरा से दुबले पतले हैं, शरीर से दुबले पतले हैं, लेकिन 9 दिन के बाद उनकी चेहरे में तेज आ जाती है, उनकी वाणी में ओज आ जाती है, और ऐसे अनुष्ठान कर करके अपनी कुप्रवृत्तियों को नष्ट करने के साथ साथ अपने कैरियर को बहुत सारे भाइयों ने मुकाम पहुंचाया। 2008 की घटना बता रहे हैं, हम लोगों के साथ हम लोगों के ग्रुप में जो अभी वर्तमान में ब्रांच मैनेजर हैं पीयूष जी जुड़े, जुड़ने के बाद हम लोगों के साथ शांति कुंज गए, 2 लोग जुड़े, उनके साथ एक और लड़का था, नाम याद नहीं है। दुनिया का यह नियम है, सफल बनोगे तो याद रखेगी, असफल बना तो वो इतिहास बन जाता है, कोई याद नहीं रखता है। एक और लड़का था, अभी दिखता है कभी कभार कंकड़ बाग में। दोनों शांति कुंज गए, हम लोग भी गए। शांति कुंज से आने के बाद पीयूष जी के अंदर परिवर्तन होने लगा, ध्यान साधना ये सारी चीज धीरे 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 धीरे। एक साधारण सा लड़का, ऐसा नहीं कि बहुत टैलेंटेड थे, बहुत प्रतिभा थी, युवा मंडल में भी आते थे तो छुप छुपा के बैठते थे, फेस टू फेस हिम्मत नहीं था सामना करने का, या अंदर की ऊर्जा नहीं थी कि वो फेस कर पाए। धीरे 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 उन्होंने साधना के माध्यम से अपने आप को टर्न किया, परिणाम क्या मिला, आज साधनात्मक मनोभूमि के साथ एक सफल विद्यार्थी बनकर और पटना में ब्रांच मैनेजर है। ऐसे हजारों उदाहरण है। एक राजेश नाम का लड़का जहानाबाद का, नवरात्र काल में 9 दिन की साधना के साथ साथ यज्ञशाला में समयदान, निष्ठा पूर्वक कार्य, प्रत्येक दिन हवन करना, सब कुछ, दिव्य आभा थी चेहरे पर, तेज था पढ़ाई में। कई बार गांव वालों ने कहा, अरे गायत्री परिवार में जाके गायत्री की साधना और बाबा का घंटी डोलाने से तुमको नौकरी मिल जाएगा। अंदर का जिद्दी टाइप का इंसान था, कहा नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके दरवाजे पर मांगने नहीं आएंगे, आपका है परेशान है, जो होगा वो होगा, ये चिंता तो हमारे माँ बाप को होनी चाहिए। और वो लड़का आज के डेट में असम में ब्रांच मैनेजर है। ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। हम लोग जब जुड़े यहाँ आते थे, हमारे भाई लोगों को काफी चिंता होती थी, समस्या हो जाता था। हम अगर संडे को आ गए तो कहता था इतना देर पढ़ लेता तो नौकरी नहीं हो जाता। हम पूछे, अच्छा चलो हम तो संडे को गए नहीं पढ़े, तुम क्या कर रहा था? हम तो आज सोचे संडे है तो 2-3 घंटा सो लेते हैं। देखिए, जो हमको तर्क दे रहा है कि 2 घंटा अगर आप पढ़ लेते तो नौकरी हो जाता, वो पढ़ता नहीं है। मेरे मित्र, आप सारे भाइयों से निवेदन है कि अगर हमारी मिशन से जुड़े हैं, हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो आप संतान किसी के हैं, हम लोगों के भाई हैं। और कोई बड़ा भाई नहीं चाहता है कि छोटा भाई भटक जाए, कोई बड़ा भाई नहीं चाहता है कि छोटा भाई गलती करे। हम लोगों ने जिस चीज से अपनी जिंदगी में परेशानियां झेली है, हम लोग चाहते हैं कि वो चीज आपकी जिंदगी से हटा दें। और हटाने का एकमात्र तरीका भारत का अध्यात्म, अच्छे विचार, अच्छा नॉलेज। हम 24 घंटा में 8 घंटा बैठ के जप नहीं कर सकते, लेकिन नवरात्र के दौरान 2 घंटा तो सामूहिक जप में भाग ले सकते हैं। पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है अपने अनुसार जीने के लिए, ये 9 दिन तो परमात्मा के अनुसार जी लें। सुबह में 6 से 8 अखंड जप होता है, आके भाग लेंगे, मस्त होके ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, और जो इससे ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा को हम कंपटीशन में लगाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में IIT का भी एग्जाम होने वाला है, AIEEE का भी होने वाला है, बिहार बोर्ड जो लेता है इंजीनियरिंग मेडिकल उसका भी होने वाला है, UDC वाले लोगों का भी होने वाला है, एक एक महीना बाद बीतते हुए बैंक PO का होने वाला है, IBPS PO होगा। मेरे मित्र, जब सेना अपने युद्ध की तैयारी में आगे बढ़ने लगता है तो अपने साथ हथियार, पानी, भोजन सब कुछ ले लेता है। हमारी जो हथियार है, एक तो शिक्षा है जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रूव करते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन है जिसके माध्यम से हम कंसंट्रेट होकर ये प्रूव करते हैं कि हमारी मानसिक संतुलन अगर बैलेंस थी तब हमने इस कंपटीशन को फेस किया, और तीसरा हमारे अंदर की निगेटिविटी अगर मर जाती है तो वो पॉजिटिव ऑरा हमको मेंटली सपोर्ट करता है। आज विद्यार्थियों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण है कि उनके अंदर निगेटिव ऑरा बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो तैयारी भी अच्छा कर रहा है,
वो सफल भी हो जाएगा लेकिन उसकी निगेटिव मानसिकता, क्या हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे? क्या इतने लाख विद्यार्थियों के बीच हम सफल हो पाएंगे? ये छोटी छोटी बातें उसको अंदर से परेशान कर देती है और एग्जाम देने से पहले वो अपने आप को कमजोर महसूस करता है। आप में से कई सारे लोग हैं जिनको इस बीमारी का कई बार अटैक हो चुका है। एग्जाम तक आपकी तैयारी सही रही, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंचे काफी सारा भीड़ देखा, बहुत सारे भीड़ है। भीड़ देखने के बाद आपका मानसिक संतुलन लड़खड़ाने लगा। क्या इन भीड़ में हमारी रिजल्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसी भीड़ में आपकी रिजल्ट होगी और जो रिजल्ट देता है उस भीड़ से ही रिजल्ट देता है। बस आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, ये सोच के एग्जाम नहीं देना है कि हमारी रिजल्ट निकालनी है, ये सोच के एग्जाम देना है कि मेरे पास काफी नॉलेज है और इस नॉलेज का एक पार्ट एग्जाम है, हम अपनी नॉलेज को प्रूफ करने आए हैं, इंजॉय करते हुए एग्जाम देंगे। दूसरा चीज, एग्जाम देने से एक सप्ताह पहले से आप मेंटली तैयार रहो कि एग्जाम में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। उसके दो महीना पहले से अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन की प्रैक्टिस करो, ऑफलाइन की एग्जाम है तो ऑफलाइन की प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन का एग्जाम है तो उसमें समझे कि पैटर्न किस तरीके का है, उस पैटर्न में कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारे हमारे भाई जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, ऑफलाइन में बहुत अच्छा सेट प्रैक्टिस है उनका, ऑनलाइन में जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, सीखने में दो तीन एग्जाम पार कर देते हैं, सीखने में वो समय बर्बाद कर देते हैं। आज के एग्जाम में है कि आपको प्रश्न आया है तो उसको क्विट कर दीजिए, मतलब फिर हम बैक आएंगे। कुछ लड़के छोड़ देते हैं, बाद में पीछे आ ही नहीं पाते हैं, उनको लगता है मेरा प्रश्न चला कहां गया। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमारा सिलेबस किस अनुसार टर्न किया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, जब भी एग्जाम दो ये सोच के दो कि एक पद मेरा है, बाकी पर कंपटीशन है और दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं छीन सकती है। ये कॉन्फिडेंस आपको लड़ा देता है ले जाकर। मेरे मित्र, छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियां समाहित होती है, छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े प्रश्नों को सीखा जाता है और छोटे छोटे एग्जामों से बड़े पदाधिकारी पद तक जाया जाता है। और ये मनोभूमि ये नवरात्र साधना के दौरान बनती है, ये बनाया जाता है। हम जब अपनी करियर की शुरुआत किए, कंपटीशन देते थे, उसके बाद 2011 में जन शताब्दी वर्ष में गए, वहां से लौट के आए, काफी पैसे की परेशानी रही। आदरणीय मनीष भैया से मैंने पूछा क्या करें, कैसे करें, नॉलेज तो बहुत सारा है, मैथ भी अच्छा, अंग्रेजी भी अच्छा, रीजनिंग भी अच्छा, सब अच्छा, लेकिन आज 2 रुपया के लिए रोना पड़ रहा है, क्या करें। उन्होंने कहा नॉलेज है तो कोई एक सेक्टर चुनो, अपने नॉलेज को परोसो, दुनिया में बहुत सारे लोग परोस रहे हैं, शुरुआत कहां से करें। परोसना तो आसान है, हमारे पास नॉलेज है, ऐसा थोड़े है कि आके कल से कोचिंग खोल दिए भरमार हो गया लड़कों का, कहां से परोसे, कोई जगह तो है। उन्होंने कहा है कि जिस विश्वास के साथ गुरु का कार्य किए हो उस गुरु पर विश्वास करो, 99% आपका मेहनत काम करता है तो कहीं ना कहीं 1% आपका भाग्य भी साथ देता है, और भाग्य उस मनुष्य का साथ देता है जो कर्मवादी हो। जो भाग्यवादी होता है उसको उतना ही मिलता है जितना कर्मवादी छोड़ देते हैं। हम भर पेट खा लेंगे, बचेगा तब ना आपको खिलाएंगे। जो मेहनत करने वाला है नौकरी नहीं लेगा, तब जो लोग सेटिंग वाली लाइन में लगे हैं उनको मिलेगा। हालांकि बिहार में सेटिंग वाले को पहले मिल जाता है, यहां कर्मवादी सेकेंडरी स्थान पर जाता है। भाग्य के भरोसे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ले जाइए परमेश्वर जी से, ले जाइए। काफी परेशान थे लेकिन निदान परम पूज्य गुरुदेव ने निकाला। 18 नवंबर 2011 को गोपाल मार्केट में छोटे से इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की। उस शुरुआत में मात्र 8 लड़के थे और दोपहर में 1 से 2 बजे वो जगह खाली था, हमने पढ़ाने का काम किया। इस भरोसे में कि सकारात्मक सोच के साथ अगर 8 विद्यार्थी को संतुष्ट करेंगे तो 1 विद्यार्थी का कम से कम 3 दोस्त होता है, 24 विद्यार्थी मेरा नाम जानेगा। इसलिए इस घटना को सुना रहे हैं कि आपकी पढ़ाई का भी टेंडेंसी यही है, एक चैप्टर से रिलेटेड कम 3 चैप्टर होता है कि नहीं होता है।
एक चैप्टर को मजबूत करोगे तो तीन चैप्टर तक नजदीक जाने का मौका मिलेगा, और तीन चैप्टर नजदीक जाओगे तो नौ चैप्टर तक पहुंचोगे, ऐसे ही आप भी मजबूत बनते हो। मैंने दिल से पढ़ाया उन आठ विद्यार्थी को, और उस आठ विद्यार्थी ने मेहनत करके एक महीने में 35 विद्यार्थियों को ढूंढ निकाला। हम 24 का सोचे थे, वो 35 ढूंढ निकाला, 35 विद्यार्थियों को पढ़ाया। अगले महीना, एक महीना रुक के दो महीना पर बैच बनाया, 40 विद्यार्थी आए। तब तक करतार कोचिंग में 5 घंटे के लिए बढ़िया पैकेज मिल गया था, 5 घंटा पढ़ाते थे उस समय, बढ़िया पैकेज मिलता था। हम सोच के गए थे कि 5-6 हज़ार दे देगा तो हमारा खर्च निकल जाएगा, विद्यार्थी जीवन के लिए 6 हज़ार बहुत था। वो पूछा कि कितना पैसा चाहिए, तो हमको जो भेजे थे मैथ के सर थे, वह बोले कि जाइएगा 15 हज़ार कहिएगा। हम सोचे 15 हज़ार कहें या कहीं भगा दिया तो जो मिलना है वो चला जाएगा, ईश्वर की लीला होती है। पहुंचने के बाद जब वहां गए तो हम कहे कि सर 15 हज़ार रुपया देते तो अच्छा था। तो वो कहे धीरे से, आप कोई ज़्यादा नहीं मांगे हैं। हम सोचे मन ही मन कि एगो सबसे बड़ा चुतिया कि हम इतना मांगे, और दूसरा हमारे सामने बैठा है जो कह रहा है कि ज़्यादा नहीं मांगे हैं। हम चुप हो गए कि जो करना है। तो 12 हज़ार रुपया से वो हमारी शुरुआत की है कि सर आपको 5 घंटा के लिए नए हैं 12 हज़ार दिया जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। सोचिए जो व्यक्ति 5 हज़ार के लिए तड़प रहा था उसको मात्र कुछ ही दिनों में 15 हज़ार 12 हज़ार रुपया, ये आश्चर्य वाली बात थी। मैंने काफ़ी मंथन किया, विचार किए, आखिर ये कौन मदद करता है? जब आप अच्छे राह पर चलते हो तो ये प्रकृति मदद करता है। अगर ये प्रकृति मदद नहीं करती तो सोचो ना, छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, बाहर आता है तो सबको टेंशन है, बाबू खाया नहीं, बाबू की तबीयत खराब हो जाएगी, बाबू सोया नहीं, उस काल कोठरी में बंद बालक को भोजन कौन कराता है? सोच के आश्चर्य होता है कि माँ के नेभेल से, नाभि से उसको सारी दुनिया की सुख मिल जाती है, और धरती पर आने के बाद पैसे से सब कुछ खरीदते हो फिर भी रोता है। ये कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे जीवन की मददगार है, और यह साधना के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवेश करती है, जिसका नाम भारत का अध्यात्म है। आज भारत के अध्यात्म की गहराई में डूबोगे तो जिंदगी में सुख और अमन मिलेगा, चैन मिलेगा, और जैसे जैसे अपनी दूरियां बढ़ाओगे बेचैन रहोगे। टेक्नोलॉजी दे दिया, मोबाइल तो दे दिया, मोबाइल ने आपके माँ बाप के बीच प्यार बढ़ा दिया क्या? नहीं बढ़ाया, दूरियां बढ़ा दी। मोबाइल के कारण आपके व्यवहारिक जीवन का ज्ञान कम हो गया। पहले तो हम लोग पिताजी लोग खड़े हैं तो वहां बैठना नहीं है, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं हम कैसे बैठेंगे? आजकल मोबाइल में इतना मदहवास रहता है कि पिताजी खड़े हैं आराम से कुर्सी पर बैठ के बात कर रहा है। यह टेक्नोलॉजी तो बढ़ी लेकिन आपके अंदर का संस्कार घट गया, क्योंकि आपने भारत के अध्यात्म की दलहीज पर कदम तक नहीं रखा। आप अपने आप को मॉडर्न युवा मानते हो, आप अपने आप को स्टाइलिश युवा मानते हो, आपकी कौन सी स्टाइल आपकी दुनिया में मुकाम बनाएगी? क्या यह स्टाइल है अपने बड़े बुजुर्गों को अपमानित करते हुए और उनको सुपरसीड करके और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं? अगर इसको स्टाइल कहते हैं तो ऐसे स्टाइल को हम नहीं मानते हैं। स्टाइल तो वो था, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, सुबह उठ के भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत जी शत्रुघ्न अपने माँ बाप और गुरुओं को प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद मिलता था, बेटा विजयी भव, बेटा यशस्वी भव। आजकल के रघुनाथ सुबह उठ के गुड मॉर्निंग अपनी डार्लिंग को कहते हैं, मेरी डार्लिंग है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी जान है, तेरी जान आई कहां से? जिसने जान को खतरा में डाल के पैदा किया उसको तू बेजान बना के और दुनिया में जान ढूंढते हो? तुमसे बड़ा गिरा इंसान हो ही नहीं सकता है, और इसी गिरावट को सुधारने का काम युवा प्रकोष्ठ करता है। आप अगर डाल डाल चलते हो तो हम लोग पात पात आपको बचाने का प्रयास करते हैं। तेरी जान तब आई जब तेरी माँ ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें 9 महीना दर्द से पाला। तेरी जान तब तुझे मिली जब तेरे पिताजी ने पूरी जीवन संघर्ष करके तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाकर और वस्त्र दिया, वरना तेरी जान कहाँ थी उस समय जब तुम दिन रात थपेड़े से लड़ रहे थे? 2 वक्त की रोटियों के लिए तेरे बाजू में कसक नहीं थी, तू बच्चा बन के बेड पर छटपटा रहा था और माँ भाग के आती थी और सीने से दूध पिला देती थी। तेरी जान कहाँ चली गई थी?
ये आने वाले समय में भारत उन युवाओं का राष्ट्र बनने जा रहा है जो कर्मवादी होंगे, जो विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, जिनके अंदर अपनी मां की ममता की आंचल की छांव और प्यार का दर्द होगा। वैसे युवाओं के लिए यह राष्ट्र नहीं होने जा रहा है जो निष्ठुर और निर्दयी भाड़े के टट्टू बनकर आज बैठे हैं, अपने परिवार की खुशियों को त्याग कर बाहर की खुशियां खोजते हैं। ये उन्हीं व्यक्तियों को मिलने जा रहा है जिनके जिंदगी में अध्यात्म का समावेश है। इन उन्हीं युवाओं को मिलने जा रहा है जिनके अंदर ममता की सागर है। ये ध्यान आपके अंदर ममत्व का उफान पैदा करता है। ये ध्यान आपको इमोशनल बनाता है। प्रोफेशनल यार बनने के लिए पूरी लाइफ बाकी है तुम्हारी, लेकिन एक बार इमोशनल बन जाओगे तो दुनिया के जितने प्रोफेशनल लोग होंगे तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। आश्चर्य की ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अध्यात्म का एक सिलेबस है, शुरुआत है। आप मानो, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। मानते हो तो शिव जी मानकर जल चढ़ाते हो, नहीं मानते हो तो रास्ते पर पैर से मारते आगे बढ़ते हो। अगर तुम्हारी समझ है तो तुम एक्सेप्ट करोगे, नहीं समझ है तो लॉज में सड़ रहे हैं, तू भी जाके सड़ेगा, बैठेगा उन्हीं लड़कों के साथ। यार भाषण होता है, युवा प्रकोष्ठ में जाएंगे, क्या होता है, इस सबसे दुनिया थोड़े बदलेगी। नहीं, रूम बंद करके कुकर्म करने से दुनिया बदल जाएगी। जा बेटा कर ले, मजे से कर ले, माँ बाप को दर्द देकर दुनिया बदल जाएगी। जाओ दर्द दे दो, लफुआबाजी करने से दुनिया बदल जाएगी। जाओ, प्रकृति का एक नियम है, हर टॉप पर पहुंचने के बाद ढलान मिलता है। जब कुकर्म के टॉप पर पहुंचोगे तो तुम्हारी भी ढलान आएगी, उस दिन तुम्हारा परिवार और संस्कार दोनों तबाह हो जाएगा। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। एक बार तो कमर कसो, संडे को आते हो यहां से मेंटली बूस्टअप करके भेजा जाता है, फिर सैटरडे आते आते हवा निकल जाता है, जमाई लेते चढ़ रहा है सीढ़ी पर आराम आराम से। क्या हुआ भैया, जवानी की जोश ठंडा पड़ गई? हाँ दोस्तों, आज शोषण कर लिया आपकी जोश, वो कैसे शोषण कर लिया, मोबाइल वोबाइल दिखा के जो था वो सब बर्बाद करवा दिया। क्यों गए दोस्त के पास? वो गए थे फिजिक्स का नोट्स लेने। कहा नोट्स तो दे ही देंगे, बैठो ना थोड़ा देर, देखो नया वाला चिप डलवाए हैं। गया तू नोट्स मांगने, अच्छे खासे परिवार के संस्कारी युवा को नपुंसक बनाकर भेज दिया, नोट्स वहीं छूट गया। आजकल यही हो रहा है, जा रहा है कुछ और मांगने, दे दे रहा है कुछ और, और माँ बाप देता है कुछ और तो लेता है कुछ और। आप क्यों जाते हो वैसे दोस्त के पास? आपके अच्छे दोस्त नहीं है, मत करो दोस्ती, हम लोगों से कर लो। हम लोगों से भी नहीं पटती है तो सामने बैठे उनसे कर लो। कहो हे मालिक, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई दोस्त नहीं है, और जो हमारे अपने दोस्त हैं वो घर पर है माँ बाप के रूप में। मैं उनसे बहुत बात शेयर नहीं करता, लेकिन हर दिन ध्यान के माध्यम से आपके पास शेयर करूंगा। और अपनी दिल का दर्द सुनाओ ना यार, इतना बड़ा दिल वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसके सामने अगर दर्द बयां कर देते हो और नेक इंसान हो, बेईमान नहीं, नेक इंसान हो तो तेरे दर्द को काफूर बनाकर उड़ा देता है। मेरे आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखे बस तू ही तू दिखाई देना। दुनिया की परवाह नहीं है कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, कहती है दुनिया, करने वाले करके चले जाते हैं। गांधी जी जब आजादी की लड़ाई में कदम बढ़ाए थे तो ये दुनिया ने कहा, बहुत लोग आए चले गए, देखो ये चश्मिस बुढ़ा के देह में जान नहीं काला कर लूठा, अभी आया है वो नया में कह रहा है कि हम अहिंसावादी हैं, देश को आजाद करा देंगे। उन्होंने पत्र लिखा, पत्र लिखा नेहरू जी के पास, उनके पिताजी देख के पढ़े पत्र को, और पत्र को पढ़ के कहे कि गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। पत्र जब गया गांधी जी ने काफी रोया। आपके बीच से बहुत सारे लड़के जाते हैं जिनको देख के लोग लॉज में कहता है इनकी कैरियर को गुमराह किया जाता है। उनको ये नहीं पता है कि ये गुमनाम थे, इनके नाम को उछालने के लिए वहां बुलाया जाता है। उनको ये नहीं पता है कि ये गुमराह थे, इनको बचाने के लिए बुलाया जाता है। लास्ट में परिणाम क्या मिला? जिसको लोगों ने कहा कि दुनिया को गुमराह कर रहे हो वो किसी पद की लालच में नहीं गए, लेकिन जिनके पिताजी ने चिट्ठी लिखे वो देश का पहला प्रधानमंत्री बन गए। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, बो और काटो का सिद्धांत है, जो नवरात्र काल के दौरान 9 दिन की अनुष्ठान में
आप ऊर्जा लेकर अपने करियर को सही दिशा देंगे। संकल्प कल शाम में होगा, परसों से नवरात्र शुरू होगी। आप सारे भाइयों से निवेदन है कि आप जरूर कल शाम में आए। बहुत समय नहीं लेते हुए हम सबके मार्गदर्शक